नमस्कार, मैं मनु साहू और आप सभी का स्वागत करूंगी अपने शो इतिहास के पन्ने में। आज मैं बात करने वाली हूं इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी का जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था और उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। उनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, लेकिन एक बात आपको नहीं पता होगी कि जवाहरलाल नेहरू इस्लामिक एरिया से बिलोंग करते हैं। कहा जाता है कि उनका नाम भी जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये भी एक राज है। लेकिन इंदिरा गांधी के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उनके चरित्र पे काफी लोगों ने उंगली उठाई हुई है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो भारत के लिए किया है वो और कोई महिला नहीं कर पाएगी। 1966 से 1977 तक का जो कार्यकाल है वो इंदिरा गांधी के हाथ में था, और उन्होंने ये दावे के साथ कह रखा था कि वो अगर कुछ करना चाहती हैं अपनी जिंदगी में तो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए। 66 और 77 के बीच का जो 10 साल है उसमें उन्होंने भारत का नक्शा बदल दिया। उसके बाद वो बीजेपी से हारी तो जरूर, लेकिन 1980 में उन्होंने फिर से अपनी सिंहासन पर उंगली रखी। 1980 से 1984 तक का जो सफर था वो काफी भयानक जरूर था, लेकिन इंदिरा गांधी ने लोगों के लिए क्या नहीं किया ऐसा कि उनको, लेकिन मुस्लिम और हिंदू में जो आज डिस्क्रिमिनेशन होता है शायद उसकी वजह भी इंदिरा गांधी ही है। बात करूं इंदिरा गांधी की निजी जिंदगी की, तो वो एक लड़के से प्यार कर बैठी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि वो कोई और नहीं, उनके दादा के जो नौकर थे उनके बेटे फिरोज खान थे। जी हाँ, जब ये बात उनके घर में पता चली तो आप सोच रहे होंगे कि काफी हंगामा हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिरोज खान ने अपने घर में बात करी, क्यों इसका भी कोई इस बात का भी कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी के बारे में किसी ने नहीं सोचा और इंदिरा गांधी ने अपने लिए खुद फैसला लिया कि वो फिरोज खान से शादी करेंगी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, संजय गांधी और राजीव गांधी। लेकिन आप सब सोनिया गांधी को जानते होंगे सोनिया गांधी के नाम से, लेकिन उनका असली नाम क्या है शायद ये आपको नहीं पता होगा। एंटोनिया माइनो, जो कि बाहर की थी, लेकिन ये नाम बहुत ही कम लोगों को पता होगा और लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब राजीव गांधी की संजय गांधी से लड़ाई हुई, तब संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को अपनी माँ मानना बंद कर दिया। और एक बात बहुत सोचने वाली है या हमें शॉक करती है कि संजय गांधी ने अपनी ही माँ इंदिरा गांधी को 6 से 7 थप्पड़ लगाए। आज के टाइम पे ये सोचना भी पाप है, लेकिन उस समय ये मुमकिन था। लेकिन उसी के बाद जिस दिन मैं बात कर रही हूँ, 31 अक्टूबर 1984 की, उस दिन इंदिरा गांधी ने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना भूल गई थी। वही दिन क्यों? क्योंकि आज लोग इस बात पे भी उंगली उठा रहे हैं कि ये सब एक साजिश थी, ये सारा कांड जान के किया गया था। लेकिन वहीं कुछ लोग मानते हैं कि उनके दोनों बॉडीगार्ड्स ने, बेंट सिंह और सतवंत सिंह ने, उनको मौत के घाट उतार दिया। क्या ये सच है क्या नहीं, ये तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उस दिन हर दिन से अलग क्यों था, क्यों इंदिरा गांधी जल्दी उठी, उन्होंने अपने सारे काम अपने समय से पहले किए। क्या इसमें उनका गार्ड मिला था, बॉडीगार्ड मिले थे, या उनके साथ चलने वाले वो पॉलिटिशियंस मिले थे, इस बात की भी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन कहने में क्या जाता है, ये मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट के द्वारा सामने आई बात है कि उस दिन जिस दिन वो अमृतसर पहुंची और अपनी स्पीच के लिए सुबह 6 बजे घर से निकली, लेकिन स्पीच थी 9:30 बजे और उनका इंटरव्यू भी 9:30 बजे ही शेड्यूल कराया गया था। लेकिन उस दिन इंदिरा गांधी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उनके फैमिली डॉक्टर भी उनके घर आए हुए थे। सारी बातें कैसे कोइंसिडेंस हो सकती हैं 31 अक्टूबर को, लेकिन हाँ, वो 9:30 बजे, जी हाँ 9:30 बजे, जिस समय इंदिरा गांधी को गोलियों से भून दिया गया। ये आप सभी को पता होगा किन दोनों ने, बेन सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर गोली चलाई। लेकिन उसके बाद उन दोनों का क्या हुआ शायद ये आपको नहीं पता होगा।
लग रहा होगा कि सिर्फ यही दो को मारा गया है, लेकिन नहीं, इसके बाद भी जो चार लोग उनके साथ मिले हुए थे उनको भी जेल में फांसी की सजा सुनाई गई। 6 मिनट के अंदर ही अंदर बेन सिंह को गोलियों से भून दिया गया, लेकिन सतवंत सिंह से पूछताछ के लिए उनको जेल ले जाया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि 5 साल क्यों लगे सतवंत सिंह को मारने में या फांसी देने में, वहीं बेन सिंह को सिर्फ 6 मिनट के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया, वहीं सतवंत सिंह को पूरे 5 साल लगे हैं हैंग करने में। ये बहुत बड़ा सवाल है, हमें इसका जवाब नहीं पता, लेकिन हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपको पता है कि सतवंत सिंह को 5 साल जेल में क्यों रखा गया, ऐसी क्या पूछताछ की जा रही थी जिसके लिए 5 साल लग गए, तो मैं अपने व्यूअर से ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपको इस बात का जवाब पता है तो हमारे चैनल स्कूप बीट्स में जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल स्कूप बीट्स को फॉलो कर दीजिएगा। उसके बगल में है बेल आइकन, उसको तो जरूर हिट करिएगा क्योंकि उसके बिना आपको हमारी कोई वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं मनु साहू, द स्कूप बीट्स .com।